मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिमोगा से बेंगलुरु पहुंचा सावरकर विवाद। जब से देश में और राज्य में बीजेपी की सरकारें बनी है, तब से लेकर आज तक देश में शांति का माहौल ही बिगड़ सा गया है। जातिवाद और जानवरों के नाम पर इंसानों की बलि चढ़ाई जा रही है। अब शिमोगा में हुए सावरकर की तस्वीर का विवाद, बेंगलुरु मेट्रो में एक बैनर लगाया गया है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के ऊपर सावरकर की तस्वीर लगाकर अभिमान जताया जा रहा है। जिनका आदर और सम्मान करना है उन्हें तो भूल ही गई है जनता। कांग्रेस जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। तुमकुरु में जेडीएस पूर्व विधायक सुधाकर लाल के जन्मदिन के मौके पर बैनर लगाने के चलते तुमकुरु जिले में पूर्व मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के फ्लैग्स को हटाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी बहस और मारपीट देखी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दल वालों को शांत करके झगड़े को निपटाकर वहां से कार्यकर्ताओं को रवाना किया। एमएलए के भाषण के मौके पर पथराव। बागलकोट जिला हुनगुंद में संगोली रायन्ना जयंती के मौके पर बीजेपी एमएलए डोडन गौड़ा पाटिल ने शिमोगा में हुए घटना पर सावरकर की तरफदारी की तो इन पर पथराव किया गया। एमएलए ने कहा कि ऐसे हजार पत्थर भी मुझे झुका नहीं सकते, कहकर कांग्रेसियों को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है एमएलए ने। शायद ये भी हो सकता है कि बीजेपी एमएलए डोडनगौड़ा पाटिल अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए खुद के चमचों की ओर से पथराव करा के सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया होगा। ये सियासत है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। गांव में डीसी को मिला जनता का प्यार। राज्य सरकार की मुहिम डीसी के कदम गांव की तरफ, इस अभियान के चलते बीजापुर डीसी विजय महंतेश दानम मनवर ने आज जिले के निडगुंदी तालुका का दौरा किया तो यहां की जनता ने अपना दुखड़ा सुनाया तो कुछ समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया और कुछ समस्याओं को मंत्री के साथ चर्चा करके सुलझाने का भरोसा दिया। जिला कलेक्टर विजय महंतेश दानम मनवर ने इस गांव में जिला अधिकारी को जनता का बड़ा सहयोग मिलने की बात कही है जिला कलेक्टर ने। सही बस व्यवस्था को लेकर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। तुमकुरु जिला शिरा तालुका में कुल 250 स्टूडेंट्स को जाने के लिए सही बस व्यवस्था ना होने से यहां के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन में लग गए। इनके प्रोटेस्ट से शिरा से तुमकुरु जुड़ने वाला NH रास्ता पूरी तरह से ट्रैफिक जाम नजर आया। येडियुरप्पा की फिर हुई सियासत में एंट्री। हाल ही में बीजेपी पार्टी के सारथी माने जाने वाले येडियुरप्पा ने अपनी ओर से सियासत से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बीजेपी हाईकमांड की ओर से येडियुरप्पा को बीजेपी पार्टी में एंट्री देकर इन्हें केंद्र संसदीय मंडली में जगह दी है। 11 सदस्यों वाली इस मंडली में PM मोदी, अमित शाह सहित बड़े नेता शामिल हैं और कर्नाटका से येडियुरप्पा अकेले केंद्र संसदीय मंडली के लिए चुने गए हैं क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव सिर्फ 8 महीने बाकी है। राज्य में येडियुरप्पा के बिना कर्नाटक में बीजेपी अधूरी है। कार में रख के 18 लाख रुपयों की चोरी। बीजापुर जिला चरचान तालुका के लोनी बीके गांव में कर्नाटका बैंक से खाद व्यापारी पैसे लेकर कार में रखा हुआ था कि कार चालक का ध्यान दूसरी तरफ भटका के बैग समेत 18 लाख रुपये उड़ा ले गए हैं शातिर चोर। बाइक पर 3 लोगों की ओर से इस काम को अंजाम दिए जाने की बात कही व्यापारी ने। पुलिस की ओर से चोरों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु उत्तर वलय पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए चोरी को अंजाम दे रहे कई आरोपियों की गिरफ्तारी करके 2 करोड़ कीमत के बाइक्स, गांजा, सोने के जेवरात जब्त किए हैं पुलिस ने। आज इसकी जानकारी दी बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने।
निर्माण हुए एक ही महीने में बिगड़ी रास्ते की हालत। बेलगाम जिला अतनी तालुका कोटलगी कलमड़ी रोड निर्माण हुए एक ही महीने में ही उखड़ने लगे हैं रास्ते के पुर्जे। लाखों का खर्च करके निर्माण किया रास्ते की इस हालत पर यहां के किसान 40% कमीशन वाली सरकार का नाम देकर विरोध जता रहे हैं। कौन सुनेगा इन किसानों की बात? बीजेपी सरकार तो सिर्फ आरएसएस और भगवाधारी संगठनों की आज्ञा का पालन करती है, कहा किसानों ने। सावरकर की तस्वीर, पुलिस की ओर से सुरक्षा। उडुपी के ब्रह्मगिरी सर्कल में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर के साथ साथ सावरकर की तस्वीर लगाकर जय हिंदू राष्ट्र कहकर लिखा गया है बैनर पर। अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देने वाले सावरकर का इतना गुणगान, देश का बच्चा हो या बूढ़ा, इतनी सच्चाई तो ज़रूर जानता है कि सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई में अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। इस बैनर को पुलिस सुरक्षा दे रही है, कहा समाज चिंतकों ने। मेरे पति ने कोई गुनाह नहीं किया, जबीउल्लाह की पत्नी का बयान। कल शिमोगा में भगवा कार्यकर्ता पर हमले के आरोप में जबीउल्लाह उर्फ चर्बी को पुलिस ने पांव पर गोली चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पत्नी ने बयान दिया कि मेरे पति बेगुनाह हैं, लोन पर ऑटो लेकर परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं, बार बार बेगुनाह होने का बयान दिया जबीउल्लाह की पत्नी शबाना ने। बीजेपी की ओर से कांग्रेस भवन घेराव की कोशिश। उडुपी में रहे कांग्रेस भवन पर स्थानीय बीजेपी नेताओं की ओर से घेराव करने की कोशिश की गई। सिद्धरामैया ने कल बयान दिया था कि मुसलमानों के इलाकों में क्यों सावरकर की तस्वीर लगाई गई, कहने पर आज विरोध जताते हुए बीजेपी की ओर से कहा गया है कि हर गांव हर चौराहों पर सावरकर की तस्वीर लगाई जाएगी, दम है तो रोक के दिखाओ के नारे लगाए। मौके पर रही पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। सिद्धरामैया भारत के हैं या पाकिस्तान के नागरिक? एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल का सवाल। बेंगलुरु में मीडिया के सवालों के जवाब में बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि सावरकर पर बयान देने से पहले एक बार सोचे सिद्धरामैया। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ अल्पसंख्यक ही सिद्धरामैया को वोट देंगे, बाकी सभी लोग बीजेपी को वोट देकर इन्हें सबक सिखाएंगे। सावरकर की तस्वीर भारत के किसी भी कोने में लगाया जा सकता है, कहा एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।